गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। दोस्तों देखिए दोस्तों, साजिद जी किस तरह से हमें पूरा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, फूड सप्लीमेंट की। अपनी लाइफ को बचाने के लिए और हेल्दी और वेल्दी बनाने के लिए वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। ओके, चलो विश यू वेल्थ। ठीक है, तो हैदराबादी लोग हेल्दी रहना पसंद करते हैं, ठीक? आप लोग हेल्दी रहना पसंद करते, सही है ना? 100%। तो हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं आप लोग? कुछ ना कुछ तो करते होंगे। लोग खूबसूरत देखने के लिए मतलब अलग अलग ये करते हैं, कुछ अच्छी चीजें खाते हैं, बादाम दूध पीते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, स्किन का ख्याल रखते हैं, है ना? इसी तरह आप जब हेल्दी रहना चाहते हैं तो क्या मतलब क्या करते हैं आप लोग? जी जी, तो बिरयानी खाने के अलावा और क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं जी, और क्या करते हैं? लेट सोते, लेट उठते जी, खाना अच्छा होना, खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, तो आपकी सेहत का ये राज है। अच्छा, ये लाइफस्टाइल में क्या है? सोना, उठना जी, शेड्यूल के बराबर करना, ठीक है। और क्या करना? अच्छे 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 से खाते, वो तो खाते आप लोग तो वैसे फेमस हो। बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, फेमस नहीं ना। जी जी, और कुछ? और कुछ? और कुछ? आप लोगों ने जितनी भी सारी चीजें कही वो 100% जरूरी होती है, सेहत के लिए जरूरी। एक्सरसाइज 100% जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, नींद जरूरी है, हर चीजें बैलेंस। मगर ये बात बताइए कि हमारी इतनी फास्ट लाइफ में ये सारी चीजें एकदम वन आफ्टर दी अदर पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं होता। बीमारियां क्या है? बीमारियां क्या है? 80% जो बीमारियां हैं वो बीमारियां होती हैं हमारी जिस्म को जो रिक्वायरमेंट है, जो विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, अमीनो एसिड्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट पूरा ना होने की वजह से हमें 80% बीमारियां आती है। 80% बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, मात्र 20% बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। 80% जो बीमारियां होती है वो सेल्फ लिमिटिंग है, या तो अपने आप ठीक हो जाती है, या वो वाली विटामिन मिनरल आपकी बॉडी में लेने से वो बीमारियां भाग जाती हैं जब वो वाली चीजें आपकी बॉडी में आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, किसी का चेहरा बुढ़ा रहता है, किसी का चेहरा जवान है बंदा, चेहरे पे रिंकल्स, पिंपल्स, बुढ़ा जैसे वक्त से पहले बाल गिर रहे हैं, आंखें सब सूज रहे हैं, पता चला कि इसकी बॉडी में प्रोटीन्स और इसकी बॉडी में बीटा कैरोटीन की कमी हो गई, तो करेगा क्या? किसी समझने वाले ने उससे कहा कि भाई तू तरकारी खाया कर, तू कैरेट वगैरह खाया कर। उसने एक तरकारी कैरेट खाना शुरू किया तो उसको अच्छा लगने लगा, उसके जिस्म में ताकत आती गई, उसकी स्किन अच्छी होती गई। तो उसने करा क्या? बीमारी तो थी, बीमारी साफ होगी, उसने दवाई नहीं खाई, उसने कैरेट और तरकारी खाई तो उसकी बीमारी गायब हो गई। तो दवाई के बगैर बीमारी गायब कैसे हो गई? गायब इसलिए हुई कि उसके जिस्म में जिस विटामिन और मिनरल के ना होने से जो प्रॉब्लम हो रही थी, जब वो विटामिन मिनरल आया तो बीमारी अपने आप फिर गई। समझ ना? अब आप देखते हैं कि अक्सर औरतें या उम्र रसीदा लोग 45-50 गिरते हैं, गिरने के बाद चोट लगती तो फ्रैक्चर आ जाता है ना? उस टाइम पे डॉक्टर शायद आयुर्वेदिक हो या इंग्लिश का हो या सिद्धा का हो, कैल्शियम देगा कि नहीं देगा? कैल्शियम खाने के लिए देगा कि नहीं देगा? जब कैल्शियम देगा तब क्या होता है कि उसकी जो टूटी हुई हड्डी जुड़ना शुरू होती है। कैल्शियम क्या मेडिसिन है या फूड है ना? अगर कोई सही तरीके से अगर दूध और वेजिटेबल्स जिसमें या हरी तरकारी, इसीलिए बड़े लोग बोलते ना ईट रेनबो, ये कहावत आपने सुनी हुई, ईट रेनबो, इसका मतलब क्या है? रेनबो को खाने के लिए नहीं कहा गया, ईट रेनबो का मतलब क्या है? हर किस्म की, हर रंगत की तरकारी खाया करो और मौसमी फल तो हमेशा खाया करो। आम का सीजन है, आम खाया करो, किसी और फल का सीजन है वो फल खाया करो, किसी और तरकारी का सीजन है तरकारी खाया करो। इसका मतलब है ईट ड्रिंक, कुछ में क्या होता है आपकी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि कहीं तो हमारी फास्ट वाली लाइफ को और हमारे जिस्म का मिसमैच हो रहा है, हम वो खा रहे हैं जो हमारे को टेस्ट लग रहा है या जो आसानी से बन रहा है या घर में होम मिनिस्टर जो बना के दे रहे हैं आसानी से वो खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहां तो ज्यादा चलती नहीं ना, जो भी मिले जहनसीब
है ना। और दूसरी बात क्या है, डिपेंड करता है कि रात का खाना कब मिले, उनके रात वाले सीरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ सीरियल होते 10:30 वाले, अगर किसी घर वालों के किस्मत में ये रहा कि उनकी सीरियल 12 बजे, आप समझो उनका डिनर कब बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रात में लेट से खाना, जब इतनी देर आपका पेट खाली है, आपने इतनी रात में खाना खाया, खाली पेट रहने की वजह से गैस पहले ही जमी होती, आपने खाना खाया, जैसे एक वजनदार चीज आपके पेट में गई, नीचे वाली गैस ऊपर को आती है, तो आपको रात से बेचैनी, बेकरारी, गैस सीने में जलन, आप बोलते हैं गैस हो गई, ये गैस नहीं हो, ये वक्त पर ना, ये बेकायदगी और बाकायदगी इसको बोलते हैं ना, ये बेकायदगी की वजह से आने वाली प्रॉब्लम है, ये बीमारियां नहीं होती है। दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर। अगर आपने सिस्टम तोड़ा, अगर आपने उसूल तोड़ा, प्रॉब्लम आती है। ऊपर वाले ने रात रखी सोने के लिए, आराम करने के लिए, सुबह रखा मेहनत करने के लिए, आप बोलेंगे हम उल्टा चलेंगे, चलो चलो, आपके अंदर जब तक ताकत है कर सकते हो, मगर जो चीजें रात में होनी है वो रात में ही होती है, जो चीजें सुबह में होती सुबह में ही होती है। हमारे जिस्म में जब हम सोते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, हमारा जो बॉडी क्लॉक है ना, मान के चलिए कि आप 10 से 11 बजे के दरमियान सोते हैं, 10 और 12 के दरमियान जिस्म का जो हिस्सा रिपेयर होना है वो उसी टाइम पे रिपेयर होता है, बाकी टाइम पे रिपेयर नहीं होता। मान के चलो कि 10 से 12 के दरमियान जो टाइम है वो टाइम आपके लिवर के साफ होने का है, और उस टाइम में आप रात जगते रहे चार मिनार में, ये गलती आपकी है, तो आपको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर 12 और 2 के दरमियान आपके हार्ट का क्लेंजिंग का टाइम है, हार्ट साफ कर रहा है, गंदगी निकाल रहा है, हार्ट का जो वो वाला टाइम है, अगर वो वाला टाइम में आप सोए नहीं, वो वाला टाइम नहीं दिए, तब आपका ये चीज कभी, लोग बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हुड़िया बंद हो गया, हुड़िया बंद हो गया, जो है हमारा वेट लॉस का नियम है, ये हमारा ये एंजाइम होता है लेप्टिन, जो सेक्रेट होता है रात में, अगर आप सोए नहीं, लेप्टिन का सेक्रेशन नहीं हुआ, तो आपका वेट कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता। तो ये वाली जो कुदरत की चीजें हैं, ये वाली चीजें अपने टाइम पे ना करने की वजह से, बेकायदगियों की वजह से ये हमारी सारी प्रॉब्लम आती रहती है, और 80% जो प्रॉब्लम होती है सेल्फ लिमिटिंग है। इसीलिए वेस्टीज से हम लोग आपको देते हैं फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत पड़ती है। आप मान के चलो कि एक अच्छे जिस्म को सिर्फ फूड लेना जरूरी नहीं होता, बल्कि उस फूड का बॉडी का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। वेस्टीज की चीजें सिर्फ दो काम करती है, वेस्टीज की चीजें दो काम करती है। पहला काम, आपके जिस्म को रोग मुक्त कराने के लिए आपके जिस्म में से टॉक्सिन को निकाल दिए, पहला काम डिटॉक्सिफिकेशन। वेस्टीज प्रोडक्ट क्या करती है, आपको डिटॉक्सिफाई करती है। हर एक के जिस्म में बहुत सारा टनों और भरा भरा गंदा कचरा भरा हुआ है ना, जानते सब लोग, या फिर डाउट है किसी को कि भाई मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है यार, यहाँ पे तो गंदगी के सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा कुछ किसी को भरम है ना, सब लोग मांगे, बहुत गंदगी होती है। जब बॉडी टॉक्सिन से भरी होती है, आप चाहे बंदे को संजीवनी ही क्यों ना दो, रिजल्ट नहीं आने का। पहला काम क्या करना है हमारे को, डिटॉक्सिफाई करने। कोई भी बंदा आपके पास आया, बोला कि हमारी वाली ये वाली प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड डूइंग इज, हमारे को बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफाई आप कैसे करेंगे, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई करते हैं, चाहे वो स्पिरुलिना हो, चाहे वो आपका गैरोडर्मा हो, चाहे टॉक्स क्लीन हो, चाहे एलोवेरा हो, ये वाली प्रोडक्ट जब आप लेंगे आपकी बॉडी को साफ करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जब भी स्पिरुलिना लेते हो आपको हल्का सा पेट में दर्द होगा, या कभी कभार आपको 2 बार मोशन होगा, 3 बार मोशन होगा, कभी कभार इतना मोशन होगा कि आपको लगेगा कि आपको लूज मोशन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, होता इसलिए है कि ये आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को निकाल रहा होता है, इसलिए आपको ये वाली प्रॉब्लम होती है। ये एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3रे दिन से वाली प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पहला बड़ा अच्छा काम करती है हमारी प्रोडक्ट्स, डिटॉक्सिफाई करती है। दूसरा वाला क्या काम करती है, ये आपकी बॉडी को नरिश करती है। जिस विटामिन मिनरल्स ट्रेस एलिमेंट्स के ना होने की वजह से आपको ये जो रोग आता है, जो प्रॉब्लम आती है, ये बीमारी ना हो, ये कमजोरी ना हो, ये प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी को फोर्टिफाई करती हैं, आपकी बॉडी को शक्तिशाली बनाती है, ताकतवर बनाती है, हर प्रकार का विटामिन और मिनरल आपको देकर।
तीसरा काम ये करती है कि वो वाली बीमारी जिसका आपको पता भी नहीं, जिसका आपने चेकअप भी नहीं कराया, आपकी इमेजिनेशन के बगैर, आपकी कोशिश किए के बगैर आपको ये प्रोडक्ट उन बीमारियों से दूर लेके जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप हार्ट अटैक से दूर हो गए, कब आप कैंसर से दूर हो गए। ये छुपी हुई चीजें हैं हमारे ये प्रोडक्ट में। इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। लोग इस्तेमाल करते हैं हमारा एलर्जी नहीं, हमारा फ्लैक्सिड या क्रिल ऑयल, ठीक है, और साथ में इस्तेमाल करते हैं हमारा वाइटल कॉम्प्लेक्स, है ना। आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन वाली चीजें आपके जिस्म को दो बहुत अच्छे महत्वपूर्ण आपको बेनिफिट्स दे रही है। पहला वाला कि आपके खून को पतला करती है, आपके खून को साफ करती है। तीसरा, आपके खून में कोलेस्ट्रॉल को जमा होने नहीं देती। जब ये वाली चीजें नहीं है तो ब्लड प्रेशर आपका रेस नहीं होगा। जब ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं तो आपके खून में ब्लॉकेजेस नहीं होंगी। तीसरा, अगर ब्लॉकेज है भी तो जब आप एलर्जी ने सर फ्लैश ले रहे हो, आपकी किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हो, ये वाली ब्लॉकेज को ये साफ कर देता है। हाँ जी, चाहे ब्लॉकेज चर्बी से हो, चाहे ब्लॉकेज कैल्शियम की हो, या आपके जिस्म के कचरे कूड़े की, ये सारा ब्लॉकेज खत्म कर देती है। जबकि एक ओपन हार्ट सर्जरी 3.5-4 लाख की होती है, हमारे प्रोडक्ट फिर भी मुश्किल से 500-600 रुपए के हैं। Yes. आज बताइए कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है। कितने लोग हैं उनको पता ही नहीं कि यार उनकी बीपी 160 और 180 पे चल रही होती है, है ना। ब्लॉकेज का तो छोड़ ही दो, आप खाना खा रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका जिस्म रोग मुक्त हो रहा है, ये कितनी अच्छी बात है। दूसरी बात, हमारे पास एक प्रोडक्ट है वाइटल कॉम्प्लेक्स, आपने देखा होगा वाइटल कॉम्प्लेक्स। उसमें दो बड़ी पावरफुल चीजें हमने रखी हुई, एक ग्रेप सीड है ना, अंगूर का दाना जिसे हम अक्सर थूक दिया करते हैं, हाँ जी, या फिर अंगूर वो लेते हैं जिसमें दाना ही ना हो, सीडलेस। मैंने लोगों को अनार बिना सीडलेस अनार ढूंढते हुए देखा। कुछ लोग मार्केट में बेचते रहते हैं सीडलेस। मैं बोला अनार, अरे अनार से सीड ही निकल गया तो अनार है क्या फिर? तो लोगों को ना ये बीच में आया हड्डी बोलते ना, गोश्त में हड्डी, कबाब में हड्डी, हड्डी पसंद नहीं है। आपको पता है जो चीज आप खा के थूक देते हो वो इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि जिसके फायदे बयान नहीं किए जा सकते। पहला फायदा है कि ग्रेप सीड हैज नोन टू गिव योर बॉडी एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एक ऐसा आपकी बॉडी को कैंसर मुक्त करता है कि आप राइट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर टू यूटराइन कैंसर टू किसी भी प्रकार के कैंसर को आपकी बॉडी में पनपने नहीं देता, पहली बेनिफिट। दूसरी बेनिफिट इसकी ये है कि आपने देखा होगा कि जो स्मोकर्स है, जिन लोगों को सिगरेट पीना, तंबाकू नोशी या बीड़ी सिगरेट का शौक है, सीधी बात है जब आप सिगरेट पीते हो तो बहुत सारे इसके जो टॉक्सिन्स हैं, कोल टार है, तकरीबन 99 टाइप्स के केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्मोकिंग के द्वारा आपके ब्लड में घुल जाते हैं। यही जाके धीरे 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 आपको ब्लॉकेज करते हैं, ये सबको पता है। मगर हमारा जो वाइटल कॉम्प्लेक्स है ये करता क्या है, ये आपके खून को साफ करता है, ये आपके खून को साफ करता है। जब ये खून का फिल्ट्रेशन करेगा, जब ये साफ करेगा, तो जितनी भी कोबाल्ट, जितनी भी सिगरेट्स के द्वारा, तंबाकू के द्वारा आपके खून में जो ये आमिजिश हो चुकी है, इसको साफ करके आपको एक तो कैंसर से दूर करता है, दूसरा हार्ट अटैक के प्रॉब्लम से ये करता है। आप बताओ कि आपके हैदराबाद सिटी में कितने आपके दोस्त अहबाब है जो स्मोकर्स है, जिनको हम इन प्रोडक्ट से एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ दे सकते हैं। स्मोकिंग करने वाले को सांस की परेशानी आती है, अस्थमा की पूरा परेशानी आती है, नीचे से ऊपर आएगा तो हमता रहेगा, प्रॉब्लम है कि नहीं? Yes, हम क्या करेंगे, हम उनको देते हैं आपका रेस्पी केयर, ठीक है। आपका रेस्पी केयर के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दे रहे हैं आपका वाइटल कॉम्प्लेक्स। वाइटल कॉम्प्लेक्स के साथ हमने दे दिया नूनी। आप 3 महीने खा के देखो उनकी जो जिंदगी में जो उछाल आएगी ना, उनकी जिंदगी में जो एक हेल्थ, एक जो स्ट्रेंथ फील करेंगे वो डिफरेंट ही होगा। बहुत सारे लोग जो स्मोकर्स हैं, बीमारी है, शौक है, दे आर यूज टू इट, उन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, इसका कुछ नहीं होने का, मैं अपने लिए छोड़ूंगा नहीं, बीमारी आती है तो आने दो। लोग इस भ्रम से, ये मेंटालिटी से चल रहे होते हैं।
जब आप उनको रास्ता दिखाएंगे भाई आप अपनी लत ना छोड़ो, मगर कम से कम आप इतने बीमार तो ना हो कि आपकी घर वालों के लिए परेशानी का सबब बनो। आप नॉलेज दे सकते हैं ना, एजुकेशन शेयर तो कर सकते हैं ना, ये वाली प्रोडक्ट आपका बेनिफिट करेगी। जब आप इन लाइन पे बात करेंगे तब क्या होगा कि लोगों को इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल समझ में आएगा। जब लोगों को प्रोडक्ट का इस्तेमाल समझ में आएगा आपको आपका बिजनेस करना आसान होगा। हमको हमेशा बिजनेस प्रोडक्ट की बेनिफिट पे करना चाहिए, समझ में? प्रोडक्ट की बेनिफिट पे हमको बिजनेस करना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर। अगर हम उसके फीचर बयान करते बैठे कि भाई अंगूर के दाने में ये है, अंगूर के दाने में इतने विटामिन है, अंगूर के दाने में इतने मिनरल है, अंगूर के दाने में ये है, अंगूर के दाने, आपकी समझ में कुछ नहीं आने का। एक चीज समझ में आ गई भाई, अंगूर के दाना खाने से कैंसर की बीमारी से हम लोग दूर रह सकते और स्मोकिंग के साइड इफेक्ट से हम लोग बच के रह सकते हैं, तो लोग खाना शुरू कर देते। सिंपल, बेनिफिट पे बात करो, फीचर पे बात मत करो। आसान होता है बिजनेस करना बेनिफिट्स के ऊपर। तो दोस्तों मैं ये शेयर कर रहा था, आपको डिस्टर्बेंस करना नहीं, नहीं आई करना करना सर। चलो नमस्कार सर। मैडम जेनू राम आपको तकलीफ जाएगा सारी साहब। आप चलिए, तो हमारी अगली वाली जो एक समझने वाली जो आसान तरीके से मैंने एक जिसमें बताया था कि ये प्रोडक्ट कितने बेनिफिट एक आम इंसान को करते हैं और लोगों को इस प्रोडक्ट को किस तरह यूज करना है। अब यहाँ पे आप एक सूची देखें कि एक आम इंसान को नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे देनी है। हम लोग फीचर पे बात करते हैं, मैंने कह दिया नोनी में ये है, फिरोजना में वो है, मगर कस्टमर जो आपके पास आएगा वो आपको प्रॉब्लम बताएगा, भाई मेरे को थकान है, मेरे को सुस्ती है, या कोई बोलेगा भाई मेरे को बीमारी नहीं है तो मैं क्या प्रोडक्ट लूंगी ताकि मैं तंदुरुस्त रहूं और बीमार ना पड़ूं। कोई आता बोलेगा कि यार मतलब मेरे फादर को शुगर है, बीपी है, क्या करें? तब आप परेशान हो जाते हैं, यार किसको क्या देना है। ये परेशानी आसान करने के लिए हमने क्या किया है, इसको कैटेगराइज कर दिया है। इम्यूनिटी बूस्ट, कार्डियो केयर, ग्लाइसेमिक हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट, जॉइंट्स एंड बोन, डेटा एलिमिनेशन। क्या मतलब इसका? अगर किसी को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम क्या होती है? जनरल वीकनेस, मौसम चेंज हुआ, सर्दी, खांसी, बुखार, बात बात के बुखार आ जाना, बात बात के कमजोरी हो जाना, ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो उन लोगों को आप यहां से प्रोडक्ट भागे दे दो, कोई भी प्रोडक्ट भागे दे दो। दूसरी प्रॉब्लम कार्डियो के, अभी मैं जिक्र कर रहा था उसी के बारे में, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब दुनिया में तो बहुत सारा ये नंबर वन घातक रोग है। हार्ट अटैक जो है ना, ये मौत का नंबर वन रीजन होता है। दुनिया में जितने लोग मरते हैं उसमें से 90% लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। एब्सोल्युटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स नंबर वन किलर है हार्ट अटैक। तो मुझे पता नहीं हैदराबाद में ये कितने नंबर पे चल रहा है, तो यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो हमारे प्रोडक्ट्स कार्डियो केयर वाले यहाँ पे भी चल सकते हैं, क्या बात है। तो आगे चलते हैं, ग्लाइसेमिक हेल्थ आपने सुना होगा, डायबिटीज यहाँ पे होती है। अच्छा ठीक है, मैं समझा। अच्छा तो ये वाली प्रॉब्लम, सॉरी, इंडिया के अंदर हैदराबाद में ज्यादा, ओके, कैपिटल ऑफ डायबिटीज, ओके, ग्लाइसेमिक हेल्थ। तो इन वाले पेशेंट्स को क्या देना चाहिए? वुमेन्स हेल्थ, तो लेडीज जो उनकी कुछ मखसूस प्रॉब्लम होती है उनके लिए क्या क्या है। इसके अलावा फिटनेस एंड डाइट में क्या है, जोड़ों के दर्द में क्या है, डिटॉक्स एंड रिजन में, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन की क्या करना चाहिए, ये वाली कैटेगरी है। अब इसको किस तरह समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। इम्यूनिटी बूस्टिंग, हमारे पास चार प्रोडक्ट ऐसी हैं, इन चारों प्रोडक्ट को आप कोई भी इस्तेमाल करो, आपका रोग निरोधक शक्ति जो है, आपकी बीमारियों से जूझने वाली कैपेसिटी, बीमारियों से लड़ने वाली जो कैपेसिटी है, वो ये चीजें बढ़ाती है। ये क्या समझते हैं, हमारा पहला वाला प्रोडक्ट है नोनी। नोनी क्या है? नोनी एक फल है, पाइनएप्पल की तरह। पाइनएप्पल देखा आपने? अनानास, बिल्कुल अनानास की तरह एक चीज है, मगर हम इसको इसलिए खाते हैं दो कारण की वजह से, हमको नोनी खाना चाहिए। कारण नंबर एक, इसमें होता है 09 एक एंजाइम। इसका काम क्या है, देखो यार, हमने खाना खाया, हजम किया
और वो खाना जो है ताकत में बदल गया, जिसे ग्लूकोज बोलते हैं, है ना। अब ये ग्लूकोज गई खून में, खून से हमारे सारी बॉडी में चल जाती है, हमको शक्ति आती है कि नहीं। हम लोग थके थके रहते हैं, दोपहर में खाना नहीं खाया, कोई मर नहीं जाता ना, दोपहर में खाना नहीं खाया क्या होता, थक जाता है बंदा, है ना। तो आपने अचानक उसको कुछ चॉकलेट दे दी या कुछ भी दे दिया तो उसको थोड़ी ताकत आ गई, होता क्या, आपने खाया, बॉडी में आया, हजम हुआ, वहां से आपकी छोटी आंत में गया, छोटी आंत में से क्या हुआ, ये खून में मिल जाता है, खून में मिलके टॉप टू बॉटम आपके जिस्म के हर खुलिए को, हर सेल को वो ताकत चली जाती है ना। अब ये खून में से जो ताकत आपकी बॉडी में आपके सेल में जाती है, तो वहां पे एक चाबी की जरूरत पड़ती है, सबको पता है एक चाबी की जरूरत पड़ती है, चाबी के बगैर वो ताला नहीं खुलता। एक तो चाबी से खोलना पड़ता है, दूसरा क्या है, वहां पे एक नेचुरल मैकेनिज्म जिसकी वजह से आपका सेल खोलता है। अगर आपने बहुत सारी विटामिन, बहुत सारी एनर्जी लेके के दरवाजा ही ना खुले, क्या होगा, एनर्जी रिटर्न आ जाती है, एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो ताकत है रिटर्न आ जाती है। तो हमारी प्रोडक्ट क्या है, जिसको हम नोनी बोलते हैं, उसमें है जेरोनाइन। जेरोनाइन करता क्या है, जेरोनाइन आपके सेल्स के पुरों को खोलता है, सेल्स के छेदों को खोलता है, ताकि आपने जो भी खाया है, जो भी ताकत आपने ली है, वो पूरी की पूरी आपकी बॉडी में जाए। अगर ये सेल नहीं खुलेंगे, एनर्जी नहीं जाएगी, तो वो बॉडी का पार्ट वीक हो जाता है। आपने बहुत देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं मेरी पांच उंगलियां ठीक है यार, मगर ये वाली उंगली में ऐसा लगता है कि ताकत ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे बॉडी का ये लेफ्ट वाला ऐसा ना लगता है, थोड़ा वीक चल रहा है, बॉडी के कुछ पार्ट वीक होते हैं। आपने देखा होगा डायबिटीज, शुगर, जिस्म का कौन सा हिस्सा वीक हो जाता है, पैनक्रियास, आपका पैनक्रियास वीक होता है, पैनक्रियास के अंदर होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के अंदर एक छोटा सा खुलिया होता है जिसका नाम बीटा सेल होता है। बीटा सेल का काम क्या है, चाबी पैदा करना, कौन सी चाबी, इंसुलिन वाली चाबी। अगर बीटा सेल इंसुलिन की चाबी पैदा करेगा, तो जो आपका खाना आया अंदर जाने के लिए तैयार है, चाबी आएगी, ताला खुलेगा, एनर्जी अंदर जाएगी तो ताकत आएगी। अगर चाबी नहीं है तो आपकी सारी ताकत खून में ही रह जाएगी। जब खून में रह जाएगी, आप जाते हैं सुबह सुबह वॉकिंग करके, भैया देख शुगर कितना है, चेक किया तो 300, अरे बाप रे कहां से बढ़िया। ये इसलिए बढ़िया कि आपकी जो ताकत शक्कर की सूरत में आपके खून में है, वो सिर्फ खून ही में है, आपकी बॉडी में नहीं जा रही है। अगर बॉडी में चले जाती तो आपके खून का लेवल इतना बढ़ा हुआ नहीं होता। यही डायबिटीज है, यही डायबिटीज है। आप क्या करते हैं, गोली खाते हैं इंसुलिन की, इंसुलिन की गोली जो खाते हैं, क्या है वो, आर्टिफिशियल चाबी है, मास्टर की मास्टर चाबी होती है ना होटल में, अगर ओरिजिनल घूम गई मास्टर की लेके आप खोलो, तो आप जो गोलियां खा रहे हो मास्टर की है, वो मास्टर की आया शुगर चली गई, इसके अलावा और कोई काम नहीं हो रहा। इसके विरुद्ध जब आप ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो नोनी, नोनी क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके सेल्स के पुरों को खोलता है, ताकि एनर्जी अंदर जाए, जब एनर्जी अंदर जाती है तो उसमें ताकत आती है। इसीलिए शुगर के पेशेंट्स को नीम और ग्लूकोज हेल्थ के साथ साथ हम लोग नोनी इसीलिए देते हैं कि सेल्स एक्टिवेट हो, सेल्स काम करना स्टार्ट करें। जब सेल्स काम करना स्टार्ट करेंगे तो अपना काम करेंगे, जब बीटा सेल अपना काम करेगा तो क्या बनेगा, चाबियां बनेगा, जब चाबियां बनेंगी शुगर अपने आप कम होती जाएगी, शुगर अपने आप कम होती जाएगी। ऐसे काम करते हैं प्रोडक्ट, इस तरह काम करते हैं, समझ में आ गई बात। लोग बोलते हैं सर आपने नोनी दी, ये कैसे काम करता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है सिर्फ खून में मौजूद शुगर को बॉडी में लेके नहीं जाता, बल्कि सेल में जो जड़ में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सही करता है। ये वाली बेनिफिट है जस्टिस नोनी, ठीक है। आगे चलते, नोनी का इस्तेमाल करने का दूसरा वाला रीजन क्या है, दूसरा वाला रीजन ये है कि नोनी के अंदर एक अंश पाया जाता है, एक जूस है जिसका नाम डैमना कैंथल है। डैमना कैंथल करता क्या है, डैमना कैंथल आपकी बॉडी में कैंसर ना पैदा हो, आपकी बॉडी में कैंसर को पैदा होने नहीं देता। तो नोनी हम कहां का यूज करेंगे, किसी को एलर्जी हो गई, किसी को आस्थमा हो गया, किसी को कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, किसी के बाल गिरने चालू हैं, किसी को एलर्जी है, इन सारी प्रॉब्लम्स में आप नोनी को इस्तेमाल कर सकते हो। खासकर से एलर्जी वाली खांसी, कुछ लोगों को सूखी खांसी होती है, गला उनका
कुछ खराश ऐसे ही रहती है उनको, बार बार में थकाते रहते हैं वो लोग। ऐसी वाली प्रॉब्लम में ना ये बहुत ही मतलब उपयोगी है। इसके अलावा जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो नीम के साथ आप नोनी का इस्तेमाल करो, आप देखो कि आपको कितने बेहतर रिजल्ट मिलते, स्पेशली साइनसाइटिस में है ना, साइनस वाले मरीज बहुत ज्यादा ये वाले इसमें परेशान हो जाते हैं। और आस्थमा के प्रॉब्लम में आप क्या करो, हमारा जो लिवर केयर है, लिवर केयर के साथ आप नोनी का यूज करो, यू गेट फैबुलस रिजल्ट। ठीक है, तो समझो कि कॉम्बिनेशन में फर्क किस तरह देनी है। आगे बढ़ते हैं, स्पिरुलिना ये पाची है, झीलों में पाई जाती है। यस सर, दो बार मैं बताता हूँ, नोनी का इस्तेमाल क्योंकि ये एंजाइम है, आपको खाली पेट में करना है, एम्प्टी स्टमक, खाना या नाश्ते से आधा घंटा पहले। अगर आपने खाने के बाद खा लिया तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। ठीक है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, बाद भी लेंगे तो वो काम करेगा, मगर थोड़ा उसका जो रेस्पॉन्स होगा स्लो होगा। रीजन क्या है, नोनी चूंकि एंजाइम है, एंजाइम करता क्या है कि आप किसके भी साथ डालो उसके साथ मिल जाता है, घुल जाता है। जब चीज घुल गई तो उसमें से बाहर आके रिजल्ट देने तक थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नोनी को हमेशा खाने के आधा घंटा पहले खा लिया करें। ठीक है, और नोनी के साथ भुड़िया प्लस साथ में कभी भी नहीं लेना, ये दोनों प्रोडक्ट अपोजिट चलते हैं। नोनी खाने से भूख बढ़ती है, भुड़िया प्लस खाने से भूख घटती है। ठीक है, ये दोनों चीजें आप साथ में करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दिमाग पागल हो जाएगा। कभी बोलता है भूख लग रही है, कभी बोलता है भूख नहीं लग रही, करे तो क्या करे, तो अपनी बॉडी को ना कंफ्यूज मत करो। तो आगे चलता है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक पाची है जो समंदर में पाई जाती है। आप इसका एक सिंपल तरीके से समझने का इसका एक रीजन ये है, जैसा मल्टी विटामिन कैप्सूल हर बीपी के पेशेंट को, हर कमजोर इंसान को डॉक्टर लिख के देते या नहीं देते, बी कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोसियोल, ए टू जेड, रिवाइटल देते कि नहीं देते, क्यों देते, ताकत के लिए, शक्ति के लिए। एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो सिंथेटिक होता है जो लैब में बनाया जाता है, मगर ये ऊपर वाले ने बनाया है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप कौन सा लेना है ये आपके ऊपर है ना, जो नेचुरल वाली चीजें हैं जिसम के अंदर साइड इफेक्ट नहीं देती, वो वाली चीजें खाएं आप। बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में कंपनियां हैं जो नेचुरल के नाम पे ना सिंथेटिक वाली चीजें देती हैं, बहुत फर्क है ना। रसना भी जूस है, मैंगो का जूस रसना का भी आता है ना, रसना ब्रांड नाम सुना है, किसान का भी स्क्वैश आता है, और एक मैंगो जूस बनता है आपके घर में ताजे रसीले आमों का काट के छिलके बनाया हुआ, फर्क है दोनों में। वो भी बोलता है मैं भी ना मतलब पेड़ से आम गिरा करके सुखा करके पाउडर की इसमें दिया, वो सिंथेटिक हो गया, ये नेचुरल है। नेचुरल चीज क्या करती है, साइड इफेक्ट नहीं करती है, नेचुरल चीज क्या है, आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब करती है ना, तो ये नेचुरल प्रोटीन और विटामिन से आप इसका इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं तेलुगु में जुन्नू बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, पहला दूध पीयूष, उसको चिपका दूध बोलते हैं जी यार, तो ये वाला हाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं, मगर इसमें क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर रोग निरोधक शक्ति जो इसको बढ़ाता है। आप एक बार मान के चलो, तो एक जमाना था अगर एक बंदे को कुछ इन्फेक्शन होता, अगर मलेरिया है तो सिर्फ मलेरिया, टाइफाइड है तो टाइफाइड, डेंगू तो डेंगू, मगर आजकल मिक्स इन्फेक्शन हो रहा, डेंगू भी हो रहा साथ में मलेरिया भी हो रहा, टाइफाइड आ रहा साथ में मलेरिया आ रहा, डबल डबल इन्फेक्शन, तो हमारी इम्यूनिटी मतलब डॉक्टर खुद परेशान हो जा रहा है, उनको डायग्नोस करने में जब टेस्ट करेंगे ना वो भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या करें बताओ। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसको हमेशा बढ़ा के रखो। ये वाली प्रोडक्ट है जो आपको इस तरह बना देती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ज्यादा होने की वजह से ये आपको बहुत मदद करती है, आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 साल के ऊपर आप किसी को भी दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एलोवेरा और आंवला ये वाली चीजें हैं जो अक्सर आपके पेट वाली प्रॉब्लम में काम आती है, गैस हो गई, गर्मी हो गई, अल्सर हो गया, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स में आपको आंवला और जो एलोवेरा है ये काम आई है, स्किन की प्रॉब्लम हो गई, पिंपल्स हो गई, स्वेटिंग आ रही है,
स्किन वीक पड़ रही है, स्किन में इलास्टिसिटी जा रही है, बाल गिर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आगे चलते हैं कार्डियो केयर। ये प्रोडक्ट के बारे में डिटेल मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, अगर बीमारी हो या ना हो, प्रॉब्लम हो या ना हो, अगर आपकी उम्र 35 इयर्स क्रॉस कर रही है तो हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में ना आए, इसलिए आपको करना ये है कि ये प्रोडक्ट कम से कम दिन में एक बार खाना स्टार्ट करो, एक एक कैप्सूल क्यों ना हो इस्तेमाल करो। इसके साथ अगर आपने जैसे मैंने बताया वाइटल कॉम्प्लेक्स साथ में ले रहे हो, आप देखेंगे पहली बात आपका खून गाढ़ा नहीं होगा, आपके खून में कचरा जमा नहीं, कचरा से मुराद मेरी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, तो आप हार्ट अटैक से दूर रहेंगे। साथ ही साथ CoQ10 की वजह से आपका जो दिल है मजबूत रहेगा, अगर दिल मजबूत से खून पंप करेगा तभी सारा खून आपकी बॉडी में दौड़ेगा, अगर आपका दिल मजबूत से पंप नहीं करेगा तो आपका दिल जैसे कमजोर पड़ेगा सारी बॉडी वीक पड़ जाती है। आपने देखा होगा लोगों को ना कि सर उनका हार्ट वीक है सर, डॉक्टर ने ICU में डाल रखा है, 30% काम कर रहा, 40% काम कर, सुना है ना आपने? अपने दिल को वो वाले स्टेज में मत लेके जाओ। हमारी अंग्रेजी दवाओं से जो साइड इफेक्ट ये है कि नॉर्मली आपने देखा होगा किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है तो लोग एक दवाई उनको देते हैं अटोरवास्टैटिन, रोजोलिस्टैटिन, ठीक है, ये वाली दवाई ना अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, मगर इन दवाइयों का साइड इफेक्ट ये है कि कोलेस्ट्रॉल तो खत्म करती है, कोलेस्ट्रॉल को साफ करती है, मगर जो विटामिन, जो एंजाइम आपके हार्ट को ताकत देता है CoQ10 उसको खा जाती है। क्या हो रहा है, दवाई खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, 100% कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा मगर आपका दिल कमजोर होगा। आपको ऑफर में क्या मिल रहा है, आपका दिल कमजोर होगा, ठीक है। तो 40 साल के बाद आपके जिस्म को अगर आप एक सपोर्ट करके अगर आप CoQ10 दिन में ये एक भी खाएंगे तो आप मान के चलो आपका हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स ये चार आजा आपके कमजोर नहीं होंगे। ये क्या खानी है भाई, चाय कितने रुपए की आती है, लिमरा वाली चाय, गिराही चाय कितने में आती है, 12 रुपए। CoQ10 कितने का है हमारा, बड़ी मुश्किल से 6 रुपए का, 6 to 7 rupees इधर बिकता था, है ना। चलो चाय का रेट लगा लो 9 से 10 रुपया, तो शायद चाय लज्जत देखी, चाय की लज्जत खत्म हो जाती है, मगर CoQ10 अगर आप जिंदगी में ये की खाएं तो आप मान के चलो कि ये जो ICU में टाइम पास करने वाली जो बीमारियां है ना, ये वाली बीमारियां आपको नहीं आती है ना। जरूरत ये नहीं है कि आप मतलब एक ऐसे हेल्थ की, मतलब मैं वो वाली हेल्थ की आपको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि आप खूबसूरत, स्मार्ट, सलमान खान में, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी वाली जिंदगी यार जो दूसरों के बाहर ना हो, ऐसी वाली जिंदगी चाहे मैं बूढ़ा हूँ, चाहे यंग हूँ, या मैं 70 साल का हूँ या 80 साल का हूँ, ये हेल्थ किसे कहते हैं। तो उस बूढ़े ने मुझे बताया कि सर मैं 85 साल का हूँ, मेरे नज़र में हेल्थ वो है कि मैं इस उम्र में भी अपने काम खुद करूं, अपने पैरों पे चल के बाथरूम जाऊं, बाथरूम से वापस आऊं और अपने हाथों से खाऊं, अपने बहू हो या बेटा हो या बेटी हो किसी पे डिपेंड ना हो, ये वाली हेल्थ मैं समझता हूं, ये हेल्थ है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डेफिनेशन है दूसरों पे निर्भर ना होना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ इस तरह हो कि आपकी फैग एंड ऑफ द लाइफ, जब आपकी उम्र 55-56 साल हो जाती है उस टाइम पे स्लोली बीपी आना, उसके बाद डायबिटीज आना, उसके बाद स्लोली कैंसर आना, किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट होना, डायलिसिस वाले, ये वाले चक्कर से बचने के लिए जरूरी है कि आप आज डिसीशन लें अपनी एक लाइफ स्टाइल को चेंज करने का, अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को लेके आने का, अपनी जिंदगी में फूड सप्लीमेंट्स को अपनाते हुए अपनी बॉडी को एनर्जाइज करने का। यहाँ पे मैं जो टॉक कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि मैं वेस्टेज के प्रोडक्ट बेचूं, वैसे मैं करोड़ों का माल बेचता हूँ, यहाँ पे ये क्या दो प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं, यहाँ सवाल क्या है कि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम 5 रुपए में 10 रुपए में डेली खर्चा करके हम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, तो क्यों नहीं। आज अगर मुझे 5 रुपया बड़ा लगा तो कल मैं 5 लाख के रुपए लिए मुझे तैयार करना पड़ेगा, कल मुझे 5 लाख के लिए तैयार होना पड़ेगा,
पहली बात हम लोगों को बताएंगे, दूसरी बात हम लोग समझना भी नहीं चाहते, दूसरी बात डॉक्टर ने कहा भी तो क्या फर्क पड़ता है। हम लोगों को ना ब्रेकिंग न्यूज देखने की आदत हो गई है, लोगों को मतलब क्या भाई पिछली बार तो माइंड अटैक आया था, पिछली बार तो मैं अकोले में एडमिट हुआ था, अगली बार का इरादा कि मैं विक्रो में एडमिट हूँ। और कुछ लोग सेल्फी भी मारते हैं, हार्ट अटैक आने के बाद पहली सेल्फी फेसबुक पर डाल दिया, इतने लोगों की लाइक, अरे यार हार्ट अटैक आती है इसने सेल्फी लिए, वाह वाह क्या बात है। तो यहाँ पे डॉक्टर इंजेक्शन चढ़ा रहे, वो देख कितने लाइक्स मिले देख रहा होता है, ये एक अजीब बीमारी हम लोगों को आ रखी है। अब पता नहीं लोग और क्या क्या शेयर करेंगे, मरते हुए दादाजी के साथ सेल्फी, दादाजी की आखिरी दुआ के साथ सेल्फी, हर चीज अपडेट अपडेट अपडेट। मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे भी होंगे यार, मतलब एक वसीयत करके जाएंगे, भाई जब मर जाओ ना तो वहां पे भी फेसबुक आन करके अंदर लगा दीजिए, वहां से भी अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ये चल रहा। और दूसरा, किसी के पास टाइम ही नहीं है यार, किसी भी बिजी, हर कोई बिजी, कहां भी बिजी हो गया, ये बिजी हो गया, किसी को भी देखो लगा हुआ। अब घर में लोग होते हैं, लोग एक जमाना था कि लोग ट्रेवलिंग करते थे, मियां बीवी मिल नहीं पाते थे तो वहां पे वो वाली ये नहीं होती थी, आज घर में होते हैं, घर में होते हुए भी अधूरे, घर में होते हुए भी अजनबी, घर में होते हुए भी अकेले, बगल में मियां है, बगल में बीवी है, उसकी परेशानी नहीं, यहाँ पे कोई लगा हुआ इसके साथ चैटिंग में लगे हैं, ये इस तरफ वो उस तरफ, आप देखेंगे कि रात गुजर के पता नहीं चलता। और हेल्थ के लिए हमारे हाथ में जो ये यंत्र जो मोबाइल नाम से पकड़ा गया, आप जब तक जितनी आपके इस्तेमाल के लिए जितना भी इस्तेमाल करो तब तक ठीक है, जब ये ओवर करने लगे ना तब मान के चलो कि आपको चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम है, ये आपकी रिलेशनशिप खराब हुई, दूसरा आपको बीमारी आई, तीसरा इसका जो रेडिएशन है वो बहुत ही डैमेजिंग है, आपके बैठने का पोस्चर, आपका झुका हुआ पोस्चर, आपका जो ये सर है ना तकरीबन 4.5 किलो का, आप मोबाइल में कैसे लगते हो ऐसे सारा फोर्स, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी आपको, दो दो घंटे 3-3 घंटे झुका हुआ बंदा, इमेजिन करो